इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र में मंगल नगर में एक युवक की जनरेटर में हाथ आने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निगम के द्वारा एक प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा सीवरेज का काम करवाया जा रहा था, इसी दौरान देवास का रहने वाला राकेश नामक युवक जनरेटर की चपेट में आ गया। हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि राकेश जनरेटर को चालू कर रहा था, इस दौरान राकेश का गमछा जनरेटर में आ गया, जिसके कारण पहले उसकी गर्दन जनरेटर की चपेट में आई और फिर असंतुलित होकर राकेश वहीं जनरेटर में आ गया। हादसा होते देख अन्य कर्मचारी वहां पहुंचे और राकेश को इलाज के लिए एम वाई अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इस दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सर, मैं भी साइड पे नहीं था, जनरेटर सब बता रहे थे कि जनरेटर चालू हुआ, उसका पंखा जनरेटर में आ गया है, उसकी वजह से अंदर उसका हाथ, उसने कोशिश करी निकालने की तो हाथ कट गया और उसमें पूरा लपटा गया। क्या हुआ उसकी फिर? सर, उसको यहाँ लेके आए हम लोग, डेथ हो गई। क्या नाम है इसका? राकेश। कहाँ रहता था ये? इसका नाम से देवास के पास सिरोलिया। ये राजीव गांधी चौराहे के पास में मंगल नगर है, जहाँ पर नगर निगम का सीवरेज प्लांट का काम चल रहा है। वहाँ पर एक राकेश पिता जग्गा, उम्र 35 साल, जो कि सिरोलिया थाना बरोठा जिला देवास का रहने वाला है, वो काम कर रहा था और जनरेटर स्टार्ट कर रहा था। जनरेटर स्टार्ट करते समय उसने गले में एक जो गमछा डाल रखा था, कपड़ा डाल रखा था, वो उसमें फंस गया और उसमें फंस जाने से, उसकी चपेट में आ जाने से उसको चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई है। जिसको वहाँ पर काम करवाने वाले ने उसको MYH ले जाए गए और वहाँ उसको ब्रॉड डेड घोषित किया गया है और MYH की सूचना पर थाना भवरकुआ में मर्ग कायम किया गया है और जांच के लिए पोस्टमार्टम कार्रवाई और अग्रिम कार्रवाई के लिए अधिकारी को रवाना किया गया है।